हम लोग इतिहास सुपर टेट के लिए इतिहास कला संस्कृति जिसमें हम लोग 21 वीडियो जा चुकी है 22वीं कला संस्कृति। पिछली वीडियो में आप देखोगे ना तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग पिछली वीडियो में गुप्त काल पढ़ रहे थे ना, या गुप्त वंश कह लिया जाए, गुप्त वंश इसी पर थे, तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट पिछली वीडियो में आप देखोगे ना तो लास्ट लाइन हम बताए थे ना कि विद्वान वात्स्यायन की प्रसिद्ध, ध्यान दीजिए, विद्वान वात्स्यायन की प्रसिद्ध पुस्तक काम सूत्र में 64 चित्र कलाओं का उल्लेख इसी पुस्तक पर आता है। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के राजा खजुराहो मंदिर का निर्माण कराए थे। अच्छा, ये ठीक है। फिर आप देखोगे ना तो गुप्त काल में क्या होता था ना कि गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। मतलब गुप्त काल हमारा जाना जाता है विश्व प्रसिद्ध चित्र कला के मामले में, गुप्त का जाना मूर्ति कला के बारे में नहीं, चित्र कला के बारे में जाना जाता है कि गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये गुफा है, विश्व प्रसिद्ध गुफा है, उस गुफा का नाम जानते हो, अजंता गुफा, अजंता गुफा, अजंता गुफा विश्व प्रसिद्ध। अजंता गुफा के बारे में थोड़ा सा जानिए, अजंता गुफा महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के कहाँ, औरंगाबाद जिले में स्थित, इसको भी जान, ये भी आया है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है यह गुफा, ये अजंता गुफा, केवल और केवल जानते हो किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंध, इसको भी जानिएगा, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। इसका मतलब पता चल गया कि गौतम बुद्ध के अजंता गुफा में किसके चित्र बने हुए हैं, गौतम बुद्ध के चित्र अलग अलग भावों में बने हुए, कभी ये योगासन की स्थिति में है, कभी इनकी पत्नी यशोधरा राहुल को सौंपती हुई नजर आ रही है, यही बुद्ध अपने धरोहर राहुल को ले लो, चित्र बना के दिखाए जा रहे हैं, भाव को प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के आगे बढ़ तो यहाँ पर कुल 30 गुफाएं थी, याद रखिए कुल 30 गुफाएं थी। बहुत सारी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं, बहुत सारी गुफाएं नष्ट, गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये जानते हो गुप्त कालीन गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हैं 16, 17 और 19 गुप्तकालीन गुफाएं। क्लियर हो गया है हम लोगों का ना, ये देखिए एक और 16, 17 इतना ये क्लियर रखिए कि अजंता गुफा, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध के चित्र बने, 30 गुफाएं थे बहुत सारे नष्ट, गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल की कह लिया जाए ना, गुप्त काल का धर्म जो बताया गया ना, वैष्णव धर्म, जो हम लोगों का धर्म नहीं है, वैष्णव मतलब गुप्त राजाओं का राजकीय धर्म पूछा गया, गुप्त राजाओं का राजकीय धर्म, तो हम लोग कह लें वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव भगवान विष्णु से रिलेटेड हमारा हिंदू धर्म। वो अलग प्रश्न है कि हम लोग भगवान शिव को भी मानते हैं किंतु शैव धर्म नहीं, हम कोई पूछा कि आपका कौन सा धर्म है, ठीक है हिंदू धर्म आप बताए, हिंदू धर्म में विशेष रूप से विष्णु परिवार से हम लोग रिलेटेड हैं, वैष्णव धर्म है, ये लोग भी मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ाने, गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या थी, गुप्त काल की दरबारी भाषा ना संस्कृत थी, गुप्त काल की दरबारी भाषा संस्कृत थी। आगे बढ़ा ले गए, कवि कालिदास, कवि कवि कालिदास, कवि कालिदास की रचनाएं, याद रखिए 5-6 रचनाएं, रघुवंश याद रखो, कालिदास की रचना पहली है रघुवंश, दूसरी रचना को हम लोग दिखा देते हैं ऋतु संहार, रघुवंश और ऋतु संहार, तीसरी रचना थी मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, चौथी रचना को हम लोग मेघदूत दे देते हैं, मेघदूत और
पांचवी हम लोग दे दिए कुमार संभव, कुमार संभव। छठवीं रचना आप लोग जानते हो अभिज्ञान शाकुंतलम, लिख दिए छठवीं रचना है अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान दीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्लियर तो हो गया कि राजकीय धर्म वैष्णव धर्म था और वैष्णव और इन लोगों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। कवि कालिदास की छह रचनाएं यहाँ हम लिखे, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखिए, अब आइए आगे। इसी गुप्त काल में ही ना अमर सिंह की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है, ये विद्वान थे। अमर सिंह की प्रसिद्ध रचना क्या नाम है? अमर कोश। अमर सिंह की प्रसिद्ध रचना, देखो सतर्क रहिएगा ये सबसे आप। अच्छा, यही तो आया था आपको पिछली बार सुपर टेट में, कालिदास को ना भारत का क्या कहा गया था, पूछा गया था भारत का शेक्सपियर, ये देख रहे हैं भारत का शेक्सपियर किसको कहा गया, कालिदास को, पिछली बार सुपर टेट में ये पूछा गया था। याद रखिए, फिर कहीं ना कहीं से गुप्त काल से रहेगा, गुप्त काल में इधर उधर नहीं भागने के, बहुत पर्याप्त तो मैटर आप लोगों को हम दे दे रहे हैं, ठीक ना। अमर सिंह इसी समय, देखिए इसी समय विष्णु शर्मा, इसी समय विष्णु शर्मा द्वारा किसकी रचना की गई थी, पंच तंत्र की रचना की गई थी। अब आप देखोगे ना 15 विदेशी भाषाओं में पंचतंत्र अनुवादित किया गया है। अच्छा, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद ये आ सकता है, अकबर के नौ रत्नों में, अकबर के दरबार। भाई अभी हम आपको बताए हैं कि कवि कालिदास के दो ही हैं, इसमें से भी आ सकता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दरबार में नौ रत्न थे, उधर मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नौ रत्न थे, आएगा अभी नहीं चर्चा, उसी से रिलेटेड। एक नौ रत्न विद्वान था अबुल फजल, देख रहे अबुल फजल क्या, यही बता देते हैं अबुल फजल क्या किया ना कि पंचतंत्र का, जानते हैं कहाँ, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और शीर्षक क्या दिया गया था, शीर्षक दिया गया था क्या नाम दिया, अनवार, इसको याद रखिएगा, अनवार ए सुहैली, अनवार ए सुहैली ये शीर्षक दिया गया था। सतर्क रहिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ लिया विष्णु शर्मा। अब हम लोग आगे आ गए, गुप्त काल में एक बड़ा प्रसिद्ध जो था वाराह मिहिर, वाराह मिहिर के बारे में हम लोग क्या कह ले, वाराह मिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ये दिख रहे हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, कभी नहीं पूछा है इसी को दूसरे रूप में खगोल शास्त्री, ये देखिए ज्योतिषाचार्य खगोल, जो आप नहीं देखते हो क्या नाम है, आनंद भवन में तारा मंडल देखते हैं ग्रह नक्षत्र तारा के बारे में, भाई जो ज्योतिष को जानेगा वो ग्रह नक्षत्र तारा के बारे में खगोल के बारे में भी जानेगा। कभी ज्योतिषाचार्य पेपर में आया है तो कभी खगोल शास्त्री पूछ लिया, खगोल शास्त्री इनके भी दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ थे। दोनों ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम आया है पंच सिद्धांतिका, ये देखिए पंच सिद्धांतिका एक ग्रंथ का नाम था और ये ज्योतिष पर ही, और एक ग्रंथ का नाम आया बृहत संहिता, बृहत संहिता, ये देख रहे हैं, याद रखिएगा गुप्त काल को। और फिर आप आगे बढ़ोगे ना तो एक और विद्वान नाम है ब्रह्मगुप्त का नाम आया, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बारे में हम लोग क्या कह रहे हैं, गुप्त काल में थे, ब्रह्मगुप्त के बारे में कह रहे हैं ब्रह्म, आप जानते हो कि ब्रह्मगुप्त ने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को क्या करती है, आप बताओ, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ
आकर्षित करती है। देख रहे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर, इनका भी एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, देख रहे गुप्त काल कितना लंबा है, ब्रह्म सिद्धांत, याद रखिएगा ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था। फिर हम लोग आगे आ गए, एक और विद्वान ले लीजिए आर्यभट्ट, लास्ट चल रहा है गुप्त काल का, लास्ट चल रहा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आपका, गुप्त काल के बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और आर्यभट्ट ने ही पहली बार शून्य तथा दशमलव का भी, इसको तो आप जाने दें, दशमलव का विकास किए आर्यभट्ट ने ही। और आर्यभट्ट ने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट का ही है पृथ्वी, इसको भी याद रखिएगा पृथ्वी गोल है। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्हीं का था, आर्यभट्टी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्हीं का था, ठीक ना। गुप्त काल हम आप लोगों को पढ़ा ले गए हैं, देख रहे हैं ये है वारा में एक बार खगोल शास्त्री पंच सिद्धांति का बृहत संहिता। और इधर इधर से देखिए, इधर तो हो गया आपका अमर सिंह का अमरकोश, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अबुल फजल पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अनवार्य सुहैली नाम दिया था अनवार्य वाराहमिहिर, गुप्त काल का बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री, दो ग्रंथ थे, पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता, गुप्त काल का बड़ा प्रसिद्ध विद्वान टेक्नोलॉजी में ब्रह्मगुप्त ने ही कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ब्रह्म सिद्धांत इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था। आर्यभट्ट के बारे, आर्यभट्ट बड़ा गुप्त काल का ही बड़ा प्रसिद्ध गणितज्ञ था, ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, मतलब यही आर्यभट्ट ने ही, इसको भी जानते रहे कि आर्यभट्ट ने पहली बार ज्योतिष को गणित से अलग किया था, ज्योतिष को गणित से यही अलग किया है भाई, ज्योतिष भी गणित सिद्धांत पर एक शून्य तथा दशमलव का भी कहा पृथ्वी गोल है। और आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध ग्रंथ है, देख रहे हैं गुप्त काल हम आप लोगों को खींच ले गए, बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, भरपूर दिल खोल करके आप लोगों को हम मैटर दे चुके हैं, समझ रहे हैं कला संस्कृति। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं वर्धन वंश, गुप्त आप चले जाओगे ना, जानते हो कहाँ चले जाएंगे, वर्धन वंश लास्ट, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का कला संस्कृति पर लास्ट चैप्टर जा रहा है, वर्धन वंश में देख लिया जाए। वर्धन वंश में हम लोग देख लेते हैं कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, ये आपको नहीं, प्रभाकर वर्धन अच्छा ठीक है, हर्षवर्धन बड़ा भाई था, ये देखिए अभी हम आपको हर्षवर्धन लेके आ रहे हैं, हर्षवर्धन का बड़ा भाई क्या नाम था उसका, राजवर्धन, ये देखिए राजवर्धन दे दे, और इन दोनों की बहन थी क्या नाम है उसका, राजश्री नाम, इन दोनों की बहन राजश्री, राजश्री का विवाह किसे हुआ था, राजश्री का विवाह एक कन्नौज, अपने उत्तर दे, कन्नौज के किसके, गृहवर्मन, ये देखिए गृहवर्मन के साथ राजश्री का विवाह। अब देखिए जो क्वेश्चन आने वाला है, हर्षवर्धन के बड़ा भाई राजवर्धन था, एक बंगाल का शासक था, बंगाल जानना, बंगाल का शासक क्या नाम है उसका, शशांक, ये देखिए बंगाल गया में ना बोध वृक्ष को भी ये कटवा दिया था शशांक, क्या किया ना, राजवर्धन का मर्डर कर दिया, देख रहे हैं हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन का मर्डर कौन किया था, आप बताइएगा, बंगाल का राजा शशांक मर्डर कर दिया था। अब देखिए बदला लेने के उद्देश्य से हर्षवर्धन शशांक का मर्डर कर दिया, लेकिन दोनों का बराबर हो गया, ठीक है आगे चलते हैं, राजश्री का विवाह जानते रहे, हर्ष की जैसे कनिष्क की दो राजधानियां नहीं देख करके आए, वैसे हर्ष की दो राजधानियां देख ले, हर्ष कनिष्क की राजधानी बताए, एक पुरुषपुर और मथुरा, इसकी भी दो राजधानी, एक कह लिया जाए कि हरियाणा में थानेश्वर प्रथम राजधानी, कभी कभी पूछ लिया हरियाणा में ही पड़ता है,
और अगली राजधानी जो ना कन्नौज अपने उत्तर प्रदेश में, देख रहे ये है कन्नौज उत्तर प्रदेश, ठीक है कुल मिला करके ये तो ठीक है। अब जो आपके कला संस्कृति वाला प्रश्न है ये क्या है, हर्ष का एक दरबारी का आपको हम बता चुके आ चुके हैं ना कि हर्ष के दरबार में चीनी यात्री क्या नाम है, चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के दरबार में ही आया था, इसको बड़े ध्यान से जानते रहिएगा। चीनी यात्री वेनसांग देख रहे पहले इतना, शशांक राजवर्धन का मर्डर किया हर्ष, शशांक का मर्डर किया, राजश्री का विवाह कन गृह वर्मन के साथ हुआ था, ये तो ठीक है। हर्ष की दो राजधानियां थानेश्वर कन्नौज, ये क्लियर हुआ। चीनी यात्री हर्ष के समय हर्ष के दरबार में ही आया था, वेनसांग हर्ष के दरबार में आया था, ठीक है। और आप देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन लेकर के हम आपको दे रहे हैं, हर्ष का दरबारी राज कवि कह लिया जाए ना, दरबारी राज कवि कौन था, बाण भट्ट, जान रहे हैं ना। बाण भट्ट के बारे में आप सबसे पहले तो ये जानो कि दरबारी राज कवि था बाण भट्ट, दरबारी राज कवि, इसकी दो रचनाएं थी बाण भट्ट की, जान रहे हो आप लोग। एक रचना है हर्ष चरित, एक रचना का नाम दिया गया हर्ष चरित और दूसरी रचना का नाम दिया गया कादम्बरी, हर्ष चरित कादम्बरी, दोनों को जाने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाण भट्ट राज कवि के रूप में हर्ष चरित कादम्बरी ये इसकी रचना थी। अच्छा हर्ष के बारे में क्या, हर्ष भी स्वयं एक कवि था, ये देखिए हर्ष भी स्वयं स्वयं एक स्वयं एक कवि था, जब कवि था तो इसकी रचनाएं रही होंगी, हर्ष की बड़ी प्यारी तीन ठो रचना रही है, तीनों जानते रहे कि दोपहर दोनों रचना, देख रहे आज के लेक्चर में बहुत सारी रचनाओं को हम बताए हैं, आज देख रहे हैं ना कि हर्ष की तीन रचनाएं, एक रचना का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरी रचना का नाम है नागानंद, प्रियदर्शिका नागानंद, तीसरी रचना का नाम है रत्नावली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना है ना, प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली ये हर्ष की तीन रचनाएं थी। फिर आप आगे बढ़ोगे तो हर्ष के बारे में आपको दिखा दिया गया है कि हर्ष बहुत बड़ा दानी था, मतलब दानी का मतलब यहाँ कपड़ा छोड़ करके सब कुछ दान कर देता था, ये देख रहे हैं ना आज का जमाना है कि सब मौका पाओ तो कपड़ों खींच ले रहे हैं, दान करना तो दूर की बात है। आप कह लो कि प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों, ये देखिए प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों, प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों तथा 1000, देख रहे हैं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को ये निःशुल्क, बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क भोजन कराता था, निःशुल्क भोजन कराता, 1500 लोगों को रोज खिला रहा। आज के जमाने में हमारे आपके घर में दो चार लोग आ जाते हैं, दो चार दिन अगर रह गए ना तो महिलाएं कुड़कुड़ाने लगती कि कहाँ से बटोर ले आए हो, चलो खाना बनाओ सब्जी काटो जो है, तो ठीक है भाई जब दोस्त मित्र आए तो चलो खाना चलो सब्जी उब्जी, खाना तो नहीं बनाएंगे चलो सब्जी उब्जी काट देते हैं। आगे देखिए 1500 लोगों को खिलाता था, 1500 लोगों को रोज खिलाता था, दानी था। और इसी के समय में जानते हैं इसके समय में क्या हुआ था कि अपने इलाहाबाद, अपने ही शहर में इलाहाबाद के संगम क्षेत्र जहाँ मेला लगता है, कह लिया जाए कि इलाहाबाद के प्रयाग क्षेत्र, इलाहाबाद के प्रयाग क्षेत्र में जानते हो क्या कहता था, प्रत्येक प्रत्येक पांचवें वर्ष प्रत्येक पांचवें वर्ष एक क्या पांचवें वर्ष एक समारोह का आयोजन कराता, समारोह ये देखिए एक समारोह का आयोजन, और इसी समारोह को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। आपसे कोई पूछा कि महामोक्ष परिषद क्या है तो ऊपर वाली बात बता दीजिए
कि इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में हर्षवर्धन प्रत्येक पांचवें एक समारोह को बुलाता था, कराता था। इसी समारोह को महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। और हम आप लोगों को बता के आए हैं ना कि बौद्ध धर्म की चौथी सभा आपको हर्ष के कनिष्क के समय में कभी कभी पूछा है कि सभा को ना परिषद के रूप में पूछ दिया कि बौद्ध पांचवी बौद्ध परिषद कहाँ और किस राजा के समय में संपन्न हुई थी। तो आप बता देना, पांच देखिए लिख दे रहे हैं, पांचवी जैसे क्वेश्चन पूछा गया ना, ठीक वैसे लिख रहे हैं, पांचवी बौद्ध परिषद कहाँ, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश, कन्नौज में, किसके समय में, हर्ष, किसके समय में, हर्ष वर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में संपन्न हुई थी पांचवी बौद्ध परिषद। ये देखिए हर्ष भी कह लिया जाए ना कि हर्ष भी अशोक तथा कनिष्क के समान, अशोक तथा कनिष्क के समान। ये देखिए तीनों को हम प्लस कर दिए, अशोक प्लस कनिष्क प्लस हर्ष बराबर क्या कर दिया जाए, बौद्ध धर्म को ये तीनों स्वीकार कर लिए। बौद्ध धर्म, याद रखिए कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार, हर्ष के समय में मथुरा किसके लिए, सूती वस्त्रों के लिए। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, तथा नालंदा, ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध, ये देखिए बौद्ध शिक्षा दीक्षा के लिए प्रसिद्ध था। आप ये भी जानते रहे ना, यहाँ हर्ष ना, हर्ष ये जानते 606 ईस्वी में थानेश्वर का, लिख देते हैं, थानेश्वर का राजा बना था। 606 ईस्वी में थानेश्वर का राजा बना। और फिर देखिए ये याद रखिए, फिर 647 कर लिया जाए, 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। देख रहे हैं, हर्ष की मृत्यु हो गई थी, ये स्थिति बन गई। देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, हम आप लोगों का पांचवी बौद्ध परिषद इसको याद रखिए, महामोक्ष परिषद को याद रखिए, इधर दानी को भी याद रखिएगा, ठीक ना। हर्ष पांचवी कन्नौज में हर्ष के समय पांचवी बौद्ध परिषद, अशोक कनिष्क के समान हर्ष भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और मथुरा हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए, तथा नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा दीक्षा के लिए प्रसिद्ध। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। देख रहे हैं ना, आपको हम दिल खोल करके पूरी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में जितना कला संस्कृति को प्रश्न बना है ना, पिछली बार नहीं बता पाए थे, पिछली बार वाली कसक रही है ना, इस बार हम पूरा करना चाहते, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे आपके। 9 आएगा 10 आएगा, पिछली बार 9-10 आया था, एक क्वेश्चन मिस कर गया था, उसी की भरपाई हम इस बार कर रहे हैं, ठीक ना। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना, हमको लगता है कि अगली वीडियो पकड़ा जाए, इस वीडियो को